गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैच लाइव विद अस में। और आज हम काफी दिनों बाद ब्लॉग कर रहे हैं। वैसे तो वीडियो जो लगातार वीडियो पोस्ट करने की बात थी वो फिर से जैसा कि हमेशा होता है नहीं हो पाई पूरी, पर कोई बात नहीं, जितनी कर पा रहे हैं उतना करते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं प्रियांकु की नानी के यहाँ। वो देखिए प्रियांक से हाय। प्रियांक और मैं जा रहे हैं प्रियांक की नानी के यहाँ। और नानी के यहाँ जा रहे हैं क्यों? क्योंकि जो प्रियांकु का मामू है ओम भाई, हाँ, उसका टीका करने, अच्छा टीका करने जा रहे हैं भाई हम, क्योंकि आज ओम जा रहा है कांवर लेने। शिवरात्रि आने वाली है, सावन का महीना स्टार्ट हो गया है और यहाँ के एरिया में कांवर लाई जाती है। तो इस बार जो ओम है वो पैदल कांवर लेने जा रहा है, फर्स्ट टाइम जा रहा है। तो आज वो अभी निकलेगा, तो बहन हम हैं तो हम टीका करने जा रहे हैं। और प्रियांक कौन है? भांजा है ना प्रियांक? है कौन हो तुम ओम फूके? पता नहीं। और प्रियांक ओम को बोलता है ओम भाई और ओम ओम फू, तो ओम फू बोलता है। तो हम दोनों निकल गए, शाम हो रही है और निकल गया अभी, फटाफट घर पहुंचेंगे। अब गंजा, अच्छा मेरे भाई को गंजा बोलेगा? पिट्टी होएगी, पिट्टी बोलूंगा, देख लो कितने नालायक हैं आजकल के बच्चे, बोलूंगा जबरदस्ती। तो वही है, तो अभी हम लोग निकल गए हैं और शाम को निकलेगा, 7 बजे करीब बोल रहा था और देखो कितने बजे निकलता है। तो वही उसके मतलब अभी मम्मी के यहाँ पे जा रहे हैं, फिर जो जो होता है आप आगे बने रहिए। हम भी फर्स्ट टाइम मतलब ओम जा रहा है, पहले पापा जाया करते थे तब का थोड़ा थोड़ा याद है पर इतना भी वो नहीं है। और अब ओम भाई जा रहे हैं तो आपका तो पूरा याद रहेगा। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए और आगे देखिए क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए। तो गाइस हम लोग निकल गए थे घर की तरफ और ये रास्ते से हम लोग जस्ट पहुंच ही रहे थे और पहुंच गए उसके बाद। देखिए प्रियांक दुकान में और पापा के पास बैठा, बात करी, फिर आ गया। इसके बाद जाके ओम के साथ खेलने लगा। ओम इंतज़ार कर रहा था, ओम के साथ जिन लोगों को जाना था ना वो भी अपनी जगह से निकले नहीं थे, तो इसीलिए ओम के साथ चेस खेल रहा था और काफ़ी बात भी कर रहा था। ओम के साथ बहुत खेलता ही है तो वही खेलने में लग रहा था ओम के साथ। अभी टाइम था जाने में, ओम तैयार हो गया था अपने कपड़े वपड़े पहन के, है ना। और ओम मेरे से कह रहा था अच्छा व्लॉग बना रही हो? मैंने कहा हाँ भाई, अब तो पहली बार जा रहे हैं तो व्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा ना, यादें तो बहुत ज़रूरी होती हैं, है ना। तो इसीलिए हमने व्लॉग भी बनाया और इनका गेम चल रहा था। अभी मम्मी आएंगी, खाना बनाई मम्मी, फिर खाना खा पी के हम सब लोग मतलब ओम को निकालना था, टीका वगैरह करना था। तो अभी आप देखेंगे टीका वगैरह करेंगे। और यही कामना थी ईश्वर से कि बस इसको मतलब दिक्कत इतनी ना हो। मम्मी ने देखी सर पर रख दिया रुमाल और मैंने कर दिया टीका। और आप सोचिए ये वीडियो किसने बनाई है? ये वीडियो बनाई है प्रियांक शर्मा जी ने। प्रियांक शर्मा जी ने ये वीडियो बनाई, मैंने टीका करा और इसे यही आशीर्वाद दिया कि भगवान इसको कोई मतलब ज़्यादा तकलीफ ना हो। तकलीफ तो देखो भगवान का, आप काम करो यात्रा करो तो होती है, पर पहली बार जा रहा है अकेला है मतलब ऐसे, तो हमें थोड़ा सा लग रहा था, हमारे लिए तो बच्चे छोटे ही रहते हैं तो ज़्यादा तकलीफ ना हो, बस यही भोले बाबा से कामना थी। और यही मैंने इसको आशीर्वाद भी दिया और देखना अब मुझे पैसे कैसे देगा, पूरा पूरा सर पे नचार के, है ना। और उसके बाद ओम ने मेरे पैर छुए, मैंने पूरा पीठ थपथपा के आशीर्वाद दिया और उसके बाद ओम प्रियांक के पैर छुए, मम्मी के छुए, भगवान जी का आशीर्वाद लिया, है ना। फिर उसके बाद मम्मी ने कहा कि दही देवताओं को भी साथ लेके जाना, तो मतलब सब करते हुए फिर हम लोग मंदिर की तरफ निकले और मंदिर गए भोले बाबा के। और मतलब घर जाती हूँ तो ही मंदिर जा पाती हूँ क्योंकि वहाँ से पास पड़ता है और मतलब जाते भी रहते हैं, मम्मी भी जाती हैं शाम को, पापा सुबह जाते हैं, तो उस हाथ से ना चले भी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मंदिर निकल चुके मम्मी, मैं, ओमाई, हम सारे लोग जा रहे हैं। और मंदिर पे आप देखेंगे कि तैयारियाँ होने लग गई हैं शिवरात्रि की और जल की, वो बन गई है। हमारा भोला आगे चल रहा है और मंदिर का रास्ता सजने लगा है।
देखिए कुछ लोगों की कावर जिनके जल आ गए हैं उनके जल रखे हैं, और मंदिर में भी तैयारी हो रही है पूरे तरीके से कांवर की। ओम के बहाने ही हम भी भोले बाबा के सावन मास में दर्शन कर पाए, और अंदर मैंने भीड़ में नहीं आपको दर्शन करा पाए क्योंकि काफ़ी भीड़ थी अंदर। ये देखिए भोले गाइस, अभी हम मंदिरों के आ गए और आप ओम भाई जा रहे हैं, अब बाहर निकल गए हैं, अभी अंदर नहीं आएंगे। और बड़े भैया आ गए हैं, बड़े भैया छोड़ के आएंगे। कहाँ जा रहे हो ओम भाई? बस अड्डे? नए बस अड्डे से बस में बैठेंगे, वहाँ तक तुषार बाबू छोड़ के आएंगे, और अब ओम भाई की यात्रा हो गई है शुरू। ठीक है, बताओ।